क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाहिद यूसुफ़ और आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं मटन मटन पालक। तो इसके लिए हमने 1 किलो मटन लिया है और 1 छोटी गड्ढी हमने पालक के लिए है। और ये मैंने तेल के हिसाब से 2 चमचे ले लिए हैं, 6 चमचे तेल लिया है मैंने। और इसके अंदर मैंने 2 प्याज़ें काट ली हैं, 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं इसमें मैंने। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। मैं आपको बहुत इजी रेसिपी बता रही हूँ पालक गोश्त बनाने की, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। ये गोश्त है 1 किलो और ये 1 गड्ढी छोटी पालक की है। हम आज बना रहे हैं पालक गोश्त। देखिए है ना, मैंने ये तेल चूल्हा जला दिया है, नज़र आ रहा होगा आपको। और मैंने इसको सॉटी होने के लिए रख दिया। इसे हमने जलाना नहीं है, सिर्फ सॉटी करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए ना, ये प्याज हल्का सा सॉटी हो गया है और इसमें मैं ये गोश्त डालने लगी हूँ। बस किनारे डाल रही हूँ, इसे हम तलते हैं 5 मिनट नमक डालकर। मैं आपको दिखाती हूँ तलकर। देखिए है ना, मैंने इसे तल लिया है 5 मिनट। मैं इसमें अब टमाटर डालने लगी हूँ। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है सिवाय 2 बड़ी इलायचियों के और प्याज के। अब मैं इसमें टमाटर डालने लगी हूँ। हम इसे 2-4 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम इसे मैं बताती हूँ आगे मैंने क्या करना है। लेकिन है ना, 2-3 मिनट इसे हो गए हैं टमाटर को। चाहे तो आप इसे मज़ीद 2-4 मिनट बना लें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसमें सारा मसाला, ये हरी मिर्चें हैं तकरीबन छोटी छोटी हैं 10-12 हैं, ये एज इट इज़ डाल दूँगी। ये लहसुन अदरक है, ये भी साबुत है, मैं इसे ऐसे डाल दूँगी। मैं छोटे छोटे पीसेस में अदरक काटी हुई है। बाकी ये नमक मिर्च और कुटी हुई मिर्चें हैं 1 चमची, आधी चमची पीसी हुई मिर्च है और 1/4 हिस्सा हल्दी है और हसबे ज़रूरत नमक है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये गरम मसाला है, आधी चमची काला ज़ीरा, 1 चमची छोटी मतलब सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें 2-4 यानी 6 लौंगे और बाकी ये काली मिर्ची, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखने में आके आपको दिखाती हूँ 2-3 मिनट बाद। ये देखिए है ना, देखेंगे ना, इसमें से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से। मैंने साबुत साइज इसलिए डाली है कि मैं इसमें पालक भी अभी डालने वाली हूँ। इसमें डायरेक्ट बन रही हूँ, ये देखिए। मैंने साबुत चीज़ें इसलिए डाली हैं कि मैं जब इसको वेट लगाऊंगी तो ये तमाम चीज़ें वैसे ही गल जाएंगी। मैंने इसलिए इसमें साबुत चीज़ें डाली हैं, पीस के नहीं डाली हैं। आप अगर पीस के डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यकीन करें इसका जो टेस्ट आएगा वो तो बहुत ही लाजवाब होगा। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मटन पालक बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह। मैं इसे गलने के लिए इसमें पानी छोड़ दूंगी तकरीबन 1.5 गिलास और इसे 10 से 15 मिनट का वेट दे दूंगी। इतने में ये गोश्त गल जाएगा, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें,
ये मैंने एक गिलास डाल दिया, मैं आधा गिलास और पानी डालती हूँ, इसे वेट लगा देती हूँ। देखिए जरा मैंने इसमें पानी डाल दिया डेढ़ गिलास और मैं इसे वेट लगाने लगी हूँ 10 से 15 मिनट का। ये हम वेट लगा देंगे, जैसे ही घंटी इसकी बजने लगेगी तो उसके बाद हमने काउंटिंग करना है टाइम को 10 से 15 मिनट। ये देखिए जरा घंटी बोलनी शुरू हो गई है, इसे आप देख लीजिएगा 10 मिनट बाद। मैं इसे 15 मिनट का वेट लगाऊंगी आपका गोश्त, क्योंकि बाद दफ़ा बकरे जो मटन का गोश्त होता है या कोई भी गोश्त होता है, बच्चे का होता है तो वो जल्दी गल जाता है, और अगर थोड़ा वैसे हो तो देर से गलता है। तो मैं इसे 15 मिनट का वेट लगाऊंगी, आप 10 मिनट बाद खोल के देख सकते हैं, या 15 मिनट बाद अगर ना गले तो 20 मिनट के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे अमूमन मटन का गोश्त 10 से 15 मिनट में गल जाता है। तो मैं इसे 15 मिनट बाद खोल के आपको दिखाती हूँ। लेकिन है ना, मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया है, इसे 15 मिनट हो गए हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ना, मैंने इसे खोल दिया है, मैं इसे भूनूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें पालक थोड़ा डाला है, आपको पालक ज़्यादा पसंद हो तो आप पालक ज़्यादा डाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं होता इस चीज़ का। देखिए ना, ये पालक इसमें भुन गया है, ये मैंने गोश्त इसमें से निकाल लिया था क्योंकि गल गया था, मैंने कहीं ज़्यादा ना गल जाए, तो मैंने इस गोश्त को बाहर निकाल लिया है और ये भुन रहा है। इसमें हम दही डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ किया करें, ये देख सकते हैं आप, दही के साथ हम इसे हल्का सा भून लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि भून जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें जनाब, ये गोश्त की बोटी गली हुई है, ये देख सकते हैं आप इजीली, ये टूट रही है, मैंने इसलिए इसे बाहर निकाल लिया है कि ये ज़्यादा ना गल जाए। ये देख सकते हैं आप, अगर ये कम गला हुआ हो तो आप इसी में दही डाल के भून लेना। देख सकते हैं आप किस मसाले में हर चीज़ मिक्स हो गई है, जो मैंने साबुत चीज़ें डाली थी वो तमाम मिक्स हो चुकी हैं, और ये दही भी डलने के बाद ये हो गया है। मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगी हूँ, एक दो मिनट के बाद जब इसकी खुशबू हो जाएगी उसके बाद मैं गोश्त को डालूंगी इसमें। एक दो मिनट गुजर गया है इसमें, 2-3 मिनट मैं इसमें गोश्त डालने लगी हूँ, दिखाती हूँ भैया। ये देखें जनाब, बेहतरीन किस्म का पालक गोश्त तैयार है। इसमें मैंने 4 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, ये अदरक है थोड़ी सी कटी हुई, और ये हम हरा धनिया डाल रहे हैं इसमें, ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का पालक गोश्त, ये देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म का पालक गोश्त तैयार है, और ये यकीन जाने बहुत ही टेस्टी होगा। इसमें हमने नींबू डालने हैं, ये 2 अदद मैंने 2 अदद नींबू को काट के रखा हुआ है, ये नींबू का रस डालती हूँ मैं इसे निकाल के। ये देखिए जनाब, मैंने ये रस निकाल लिया है नींबू का और ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी पालक गोश्त तैयार है, देख सकते हैं आप ज़बरदस्त किस्म का। हमें दुआओं में याद रखा करें, हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है तो हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है हमें कमेंट में बताया करें, हमें दुआओं में याद रखें। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलकश पालक गोश्त तैयार है, और बहुत इजी तरीके से। हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमें शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा और हमने उन्हें बरूए कार लाने की कोशिश की, और उसमें अल्लाह ने लज़्ज़त पैदा की, हमें अता की ये तमाम चीज़ें। शुक्र है उस खुदा का लाख लाख जिसने हमें बेहतरीन जिस्म के पकवान अता फरमाए, उन्हें बनाने की तौफीक अता फरमाई। आमीन सुम्मा आमीन।
ये देख सकते हैं मज़ेदार किस्म का पालक गोश्त, मटन का पालक गोश्त तैयार है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने गेबान, अल्लाह आपके लिए इसमें बरकत का फरमाए। आमीन सुमा।